नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर। हरियाणा में एक हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसानों के साथ एक धोखा। एयर इंडिया की फ्लाइट से शाम 5 बजे तक दिल्ली पहुंचेगा पत्रकार दानिश सिद्दीकी का शव। मुंबई के विक्रोली मलबे में अब तक 9 लाशें बरामद, 3 लोगों के दबे होने की आशंका। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक खत्म, जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने की मांग। लखनऊ में संघ बीजेपी की बैठक में पहुंचे सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद। मॉनसून सत्र से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक जारी, पीएम मोदी भी मौजूद। किसान आंदोलन के मद्देनजर अलर्ट पर दिल्ली मेट्रो पुलिस, 7 स्टेशनों पर रखी जाएगी नजर। गुजरात कक्ष के भचाऊ में 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्राह्मण समाज दुखी है, उन्होंने बहकावे में आकर बीजेपी को वोट दिया, मायावती ने कहा। मुंबई के चैंबूर हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक, परिजनों से व्यक्त की संवेदना। लखनऊ कल्याण सिंह को देखने पीजीआई पहुंचे सीएम योगी, स्वास्थ्य के बारे में जाना हाल। मुंबई में दीवार गिरने से 24 की मौत, सीएम ने जताया शोक, परिवारजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा, कल तीर्थ पुरोहितों ने दी विरोध की चेतावनी। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और विपक्ष के नेता संसद पहुंचे। ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सिद्ध पर तकरार जारी, दिल्ली में पंजाब के कांग्रेस सांसदों की बैठक, कर सकते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज टाइम के साथ। नमस्कार।